Hello guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily current affairs of 28th of November 2020. तो आज है तारीख 28 नवंबर 2020. आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ बढ़ते हैं आगे. और गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है. उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में आप लोग को वहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और मेरी जितनी भी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो भी आपको वहां पर मिल जाती हैं. नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, आपको कुछ नहीं करना है, अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. ओके आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे नजर आएगा आर्टिकल नंबर 1. अब इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में बात करी जा रही है और उनकी डेथ हुई है. ओके उसी वजह से ये न्यूज़ में है, डिस्कस करेंगे डिटेल में. और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो से लिया है और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. मीन्स क्या है कि अगर आप लोग यूपीएससी और आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो कल्चर का टॉपिक कहाँ पर आता है, आपके जीएस पेपर 1 में. ओके नाउ बात करते हैं, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे देवी प्रिया. अब यहाँ पे एक वेल नोन तेलुगु पोएट थे ये, साथ ही साथ इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम है केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है, और असल में इनका नाम क्या है, शेख ख्वाजा हुसैन, जिन्हें जाना जाता था देवी प्रिया के नाम से. ओके इनकी अभी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, इनकी एज थी 69. तो उसी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स वगैरह इन्हें काफ़ी मिले हुए हैं. देखते हैं इनके बारे में. इनका जन्म हुआ था गुंतूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है गुंतूर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ. देवी प्रिया काम करते थे, वर्क करते थे एज अ जर्नलिस्ट. ये एक जर्नलिस्ट थे और साथ ही साथ एक पॉपुलर तेलुगु और इंग्लिश डायलीज भी थे. काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं इंग्लिश और तेलुगु में. नाउ अगर हम बात करें, इन्होंने अवार्ड विनिंग लिरिक्स को भी लिखा है, पेंड करा यानी लिखा है अवार्ड विनिंग लिरिक्स को. काफ़ी यहाँ पे अलग अलग तेलुगु फिल्म्स के लिए यहाँ पे अपना काम किया है इन्होंने. और एसोसिएट करा गया है तेलुगु लिटरेरी मूवमेंट्स को सिंस द अर्ली 70s. नाउ बात करें तो इनको एक साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2017 में. इनको इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गाली रंगू, तो उस बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया था. ठीक है, तो इसी वजह से पर्सनैलिटी जिनका नाम है देवी प्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, तो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं. नाउ आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर आते हैं. इस आर्टिकल में इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है HRMS, तो ये क्या है डिस्कस करेंगे. इस आर्टिकल को हम लोगों ने PIB से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग UPSC की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी सेक्शन कहाँ पे आता है, GS पेपर 3 में. नाउ बात करते हैं यहाँ पर, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इतना कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करा गया है यहाँ पर, लेकिन देखेंगे बेसिकली यहाँ पर इसका पर्पज है क्या. ओके तो जो इंडियन रेलवे है उसने लॉन्च किया है एक कम्प्लीटली डिजिटाइज ऑनलाइन HRMS. ठीक है, तो फुल फॉर्म है इसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. ये पूरा का पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि इंडियन रेलवेज ने लॉन्च कर दिया है. अब इस सिस्टम से होगा क्या, ये एक हाई थ्रस्ट प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज़ का. ठीक है, किसके लिए, कि भाई जो एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे में, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक प्रोडक्टिविटी देना, साथ ही साथ जो उनका सेटिस्फैक्शन है उसको इम्प्रूव करना. ओके उस लिए यहाँ पर ये काम कर रहा है, उसलिए यहाँ पर ये लॉन्च करा गया है HRMS को. तो HRMS से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि भाई एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है. ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फंक्शंस के ऊपर, साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स से भी बनाएगा, यानी कि मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स से वो लोग अवेयर रहेंगे चीज़ों से, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ऊपर काम करा जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्ट. ओके बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्ट कह सकते हो या फिर बाय यूजिंग दिस सिस्टम. ओके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस मैनेजमेंट क्या करा जाएगा, इस जो सिस्टम है मैनेजमेंट सिस्टम, इससे एम्प्लॉयज जो हैं जो कि इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करा जाएगा. सिंपल. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3. एंड दिस आर्टिकल यहाँ पे बात करी जा रही है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में. डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, इस आर्टिकल को हमने ऑल इंडिया रेडियो से लिया है एंड अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो तो इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ पे आता है, GS पेपर 2 में.
नाउ यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे हैं इन दोनों के रिलेशंस। बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर उटपटान चीज़ें देखने को मिली थी, बट फिर भी यहाँ पर रिलेशंस इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करा गया है। और डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोगों को अफगानिस्तान की लोकेशन दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, इंडिया के कंपैरिजन में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जो अफगानिस्तान की लोकेशन है वहाँ पर क्या खास है। सबसे पहले नज़र मान लो, ये है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। नाउ यहाँ पर अफगानिस्तान से यहाँ पे कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं इसकी, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। काबुल इसकी कैपिटल, और यहाँ पे आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान टच करता है, उज़्बेकिस्तान टच करता है, तजिकिस्तान टच करता है इस, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इधर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान टच करता है, ईरान टच करता है, तेहरान, तेहरान तो इसकी कैपिटल हो गई। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी, जो कि ये सारी कंट्रीज़ जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि अफगानिस्तान को टच करती हैं, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें, इंडिया ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ फेज़ फोर को ये लॉन्च करेगा, और ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर लगाया जाएगा, उसके बारे में अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ है, जिनकी कॉस्ट है $80 मिलियन, जो कि क्या करेगा, इंडिया अफगानिस्तान के अंदर लगाने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे हैं, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेलिंग देखने को मिलेगा। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने बोला कहाँ पर, 2020 की जो अफगानिस्तान का कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा के अंदर, वहाँ पर बोला, इनके द्वारा बोला गया कि भाई इंडिया जो है हैड जस्ट कॉन्क्लूडेड विद अफगानिस्तान एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शतूत डैम, ठीक है। क्या होगा, शतूत डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाला है इंडिया, कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर में। इससे क्या होगा, इस जब ये डैम कंस्ट्रक्ट कर देगा इंडिया, तो इससे क्या होगा, जो अफगानिस्तान है वहाँ पे काबुल सिटी है, वहाँ पे लोगों को साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। कम से कम 2 मिलियन लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं उनको साफ पानी पीने को मिल सकता है, ओके, इस डैम के थ्रू। और काबुल सिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो एक तो यही प्रोजेक्ट हो गया, ये अनाउंस करा गया। साथ ही साथ इंडिया ने अर्लियर यहाँ पे बिल्ड करा है एक 202 किलोमीटर का फूले कुमारी ट्रांसमिशन लाइन, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी काबुल सिटी के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिया ने यहाँ पर, अगेन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काबुल सिटी के अंदर। तो इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप उठाए गए हैं फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के रिलेशंस आज के टाइम पर अच्छे हैं, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे में यहाँ पे आपको नेक्स्ट आर्टिकल दिखेगा आईसीसी के बारे में। ओके, ये आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को हम लोगों ने अगेन AIR से लिया है, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। UPSC में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ नहीं पूछी जाती है, लेकिन वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहां पे एक न्यूजीलैंड के पर्सनालिटी है, कौन है, ग्रेग बाकले, इनको इलेक्ट करा गया है एक नया इंडिपेंडेंट चेयरमैन आईसीसी का, आईसीसी का नया चेयरमैन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट कर लिया गया है, सॉरी। तो ये आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो सारे इंटरनेशनल क्रिकेट्स होते हैं वो कंडक्ट कराता है हमारा ये बॉडी। उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं, आईसीसी के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। ये बेसिकली है क्या, ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है, इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब ये कंडक्ट कराता है। इसका इतिहास देखें तो इसे फाउंड करा गया था एज अ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में। ओके, किस किस ने मिलकर किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ने, ओके। और इसका जो नाम है, करंट नेम यहाँ पे 1989 में इसका नाम जो है पूरी तरह से लाया गया था। और अगर हम बात करें ये है क्या एक्चुअली में, तो देखो बड़े बड़े जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट्स होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, और ऐसे ही विमेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ICC T20 वर्ल्ड कप होता है, ICC Women's T20 वर्ल्ड कप होता है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी होता है, U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। तो ऐसे मैचेस जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलवाए जाते हैं, वो सब कौन कंडक्ट करता है, हमारा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्या है, भूल गया मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके,
नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या कंडक्ट नहीं करता है। अभी तो हमने देख लिया ये क्या करता है, अब यहाँ पे ये क्या नहीं करता है उसको देखेंगे। आईसीसी जो है डज नॉट कंट्रोल बायलेटरल फिक्सचर्स, यानी कि देखो जो भी टेस्ट मैचेस होते हैं उन सबको यहाँ पे आईसीसी नहीं कंडक्ट करता, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस होते हैं कंट्री के अंदर में उनको भी यहाँ पे आईसीसी कंडक्ट नहीं करता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर मैचेस खेले जाते हैं वो सब आईसीसी हमारा कंडक्ट करता है, और साथ ही साथ जो गेम के लिए कुछ लॉज वगैरह बना लिए गए हैं, ठीक है, लॉज वगैरह बनाए गए हैं कहाँ पर, मालेबॉन क्रिकेट क्लब सिंस 1788 में यहाँ पर सब इसके अंडर में जो है लॉज वगैरह बनाए गए, उन सब के अंदर चेंजेस भी नहीं कर सकता आईसीसी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेडक्वार्टर। ये वन डे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, आप जितनी बार कह सकते हो उतनी बार कम है, इससे ज़्यादा बार आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ओके, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, यूएई में, यानी कि याद रखना यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और लास्ट आर्टिकल देखेंगे आज का। इस आर्टिकल को हमने पीआईबी से लिया है, अगेन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और कल्चर हमारा आता है जीएस पेपर वन में। यहाँ पर बात हो रही है लोक विरासत के बारे में। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आर्टिकल, फिर भी मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो एक ऑनलाइन फेस्टिवल है फिल्म ऑन फोल्क आर्ट एंड पेंटिंग का, जो कि 27 नवंबर से 29 नवंबर तक ये हमारा फेस्टिवल चलेगा, जिसका नाम है लोक विरासत। ओके, इस फेस्टिवल पे क्या होता है ये याद रखना है कि जो मूवीज़ वगैरह हैं वो यूट्यूब चैनल पर चलाई जाएंगी, एफडी का यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है उस पर चलाई जाएगी फिल्म डिवीज़न का, तो उस पर लगातार मूवीज़ चलेंगी 27, 28 और 29 नवंबर तक। ये तीन दिन जो हैं यहाँ पे लगातार मूवीज़ चलेंगी। कौन कौन सी मूवीज़ चलेंगी उनके भी यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल किंगडम ऑफ गॉड ये एक मूवी चलेगी, उसके बाद भवई चलेगी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को आगे देखने को मिलेगा नमन, साहिजात और यहाँ पे दी रुकुटू, ऐसी यहाँ पे मूवीज चलने वाली हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस यहाँ पर फेस्टिवल पर यही होता है लोक विरासत के ऊपर, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ हुआ आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।